हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज राजू से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल जो आपका चैप्टर है, इसमें बच्चे हमेशा इस चीज को लेके इनमें डर रहता है कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हमें याद करना पड़ेगा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वेटेज भी कम है, तो जिस वजह से क्या होता है। तो यहां पर आपको इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में। यहां पर देखो, पहले तो आप ये चीज आपको माइंड से निकालनी है कि इस चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे। आपको मैं इस चैप्टर में बहुत कम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जितने भी स्ट्रक्चर हैं मैं बस आपको एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, और उसमें भी मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, उसकी हेल्प से ही हम यहां पर सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। तो पहली बात तो यहां से आपको माइंड से ये बात निकालनी है कि ये इस चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, तो इस चीज को तो भूल जाओ पहले आप, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा पढ़ोगे आप, ठीक है, थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ोगे, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोमोलिक्यूल से। तो बायोमोलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, उसको पढ़ने से पहले आपने देखा होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम बात अपनी करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एक नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल से बनी होती है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो क्या है, केमिकल से बनी हुई है, जो क्या है, एक एटम और मॉलिक्यूल है, जो कि आपका कैसे है, नॉन लिविंग सिस्टम से चलता है। तो इसमें हम जो भी हम काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, जो भी हम काम प्रोसेस करते हैं, तो ये सारे हमारी बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है, जिससे हम क्या करते हैं, इन प्रोसेसेस जो भी हम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन होता है, तो ये सारा इन केमिकल रिएक्शन से ही होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोमोलिक्यूल से। तो पहले तो हम समझते हैं बायोमोलिक्यूल है क्या, ठीक है, बायोमोलिक्यूल को डिफाइन करते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स, तो इसको डिफाइन करते हैं, बायोमोलिक्यूल होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स मे बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल सब्सटेंसेस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। देखो बायोमोलिक्यूल क्या है आपका, बायोमोलिक्यूल आपके क्या है, उसको डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल सब्सटेंस एज फॉर्म बेसिस ऑफ लाइफ, जो लाइफ का एक बेसिक पार्ट है, और उसके बाद दे नॉट बिल्ड अप लिविंग सिस्टम बट आर ऑल्सो responsible for their growth, देखो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा एक लाइफलेस केमिकल सब्सटेंस है विच फॉर्म बेसिक ऑफ लाइफ, दे नॉट बिल्ड अप लिविंग सिस्टम, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम को ही नहीं बनाते, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं, ठीक है, हमारी ग्रोथ चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो ये जो ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बात सुन के शायद पता हो कि हमारी बॉडी में जो ईयर पार्ट है आपका और जो नोज पार्ट है, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, जब तक आप लाइफ जितनी भी आप एज हो जाए आपकी 50 ईयर 60 ईयर 70 ईयर्स, तो वहां पर आपके क्या होगा, जो ईयर और नोज जो होते हैं आपके, ये ग्रो करना बंद नहीं करते, ठीक है, बट ये इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो स्लो होती है। तो कभी आप कंपेयर करना, अपने आप को ही कंपेयर कर सकते हो, या फिर अपने घर में कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, जैसे आपके कोई दादाजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, तो उनमें आप देखना और अपने ईयर्स में और नोज में फर्क देखना,
उनके जो ईयर और नोज कैसे होंगे, बड़े होंगे, और आपके कैसे होते हैं, छोटे होंगे, या फिर आप अपने आप को ही कंपेयर कर सकते हो, आप अपनी कोई पुरानी फोटो ले सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप 10 साल 20 साल बाद देखना, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। ये तो बस कोई आपको पढ़ना नहीं है इसके बारे में, ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारी बॉडी भी क्या करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है जब तक हम जीते हैं, ठीक है। तो ऐसी आपका जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कह रहा है कि ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ दे डो नॉट बिल्ड अप लिविंग सिस्टम, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम को ही नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी ग्रो करती है। जैसे आप टीनेजर्स की एज में ही होंगे अभी तक, तो आपकी जो बॉडी है जो ग्रो कर रही है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं यही इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बायोमोलिक्यूल के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, जैसे क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, तो इन सबके बारे में हमें क्या करना है, ये हमारे कुछ क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट वर्ड आपने सुना होगा, ये क्या होता है आपका, आपने पढ़े होंगे 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके उन न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज को देखकर हम बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है आपका, ये सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, दूसरा सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इन सब चीजों को पहले हम समझेंगे कि किस चीज को देखकर हम बोलते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट, पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे हम। कार्बोहाइड्रेट, ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देखो जो पहले सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी कार्बोहाइड्रेट की, वो ये आई थी कि कोई भी हमारा सब्सटेंस, कोई भी हमारा सब्सटेंस जो इस फॉर्मूले में फिट होता है, जैसे X H2O Y, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा इस फॉर्मूले में क्या होता है, फिट होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर हमारा इस फॉर्मूले में फिट हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक एग्जांपल लेते हैं, से आपका हो गया ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है हमारा, तो अब कैसे पता करते हैं कि ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो पहले क्या किया जाता था, पहले उसको इस फॉर्मूले में फिट करा के देखते थे हम। तो हम बोलते थे कि अगर कोई सब्सटेंस इस फॉर्मूले में फिट होता है तो वो सारे सब्सटेंस आपके क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, और कुछ ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। तो देखते हैं हम कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। चलो देखो, कार्बन यहां पे कितने हैं, 6 है, तो हम इस फॉर्मूले में अगर इसको पुट करें तो हम लिख सकते हैं C6H2O, बाहर किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, H कितने आपके पास, 12 है, 6 कर सकते हैं। तो देखो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करें C6H12O6, ठीक है, ब्रैकेट को खोल दें तो ये बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है ग्लूकोज, वो क्या है आपका, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट क्यों है, ये कार्बोहाइड्रेट इस वजह से है क्योंकि ये इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस अगर इस फॉर्मूले में फिट होता है तो हम क्या बोलते थे उसे, कि वो आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो पहले जो डेफिनेशन लेके चलते थे हम, ये लेके चलते थे कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे उन सभी को इस फॉर्मूले में फिट होना पड़ेगा, अगर जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता तो वो आपका सब्सटेंस क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। इसे तो हमने पढ़ लिया, बट बाद में फिर प्रॉब्लम ये आने लगी कि कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, वो भी इस फॉर्मूले में फिट होते थे, और कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट थे बट वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते थे। तो उनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका हम यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एसिडिक एसिड ले लेते हैं, चलो CH3COOH, ये। अब इसमें ध्यान दो आप, अगर ये आपका कैसा है,
ये आपका है इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब हमें पता है कि ये एसिटिक एसिड, ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये एक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बट ये फिर भी क्या हो रहा था, इसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखें, अगर हम फिट करके देखें, कार्बन कितने हैं, टू हैं, तो C2H2O, यहां पर क्या करो, टू से मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या ये यही दे रहा है, C2H4O2। तो अगर हम इसको देखें, कार्बन दो है, हाइड्रोजन चार है, चार ऑक्सीजन दो है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड था हमारा एसिटिक एसिड, ये भी क्या हो रहा था इस फॉर्मूले क्या हो रहा था, फिट हो रहा था। बट हमें पता है कि जो एसिटिक एसिड है, ये कोई आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से फिर प्रॉब्लम आने लगी कि इस डेफिनेशन में, कि आपका कोई भी सब्सटेंस, हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे इसमें फिट होंगे, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा अगर वो इसमें फिट नहीं होता। तो यहां से इस डेफिनेशन में क्या होने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। तो इस वजह से हमने क्या करा, इस चीज को समझने के लिए हमने क्या करा, नई डेफिनेशन बनाई, जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, उसे समझते हैं। पहले तो मैं ओल्ड डेफिनेशन बता देता हूं आपको, ओल्ड डेफिनेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट की। तो ओल्ड डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहां पे, ओल्ड डेफिनेशन देखो, ओल्ड डेफिनेशन जो थी आपकी वो क्या थी, उसे हम देखते हैं। तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट आई, देखो ओल्ड डेफिनेशन मैंने अभी ये बताया आपको, ऐसे कंपाउंड हमारे जो क्या होते हैं, जो इस फॉर्मूले में फिट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो हमारे CXH2OY में फिट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट बोलते थे। तो देखते हैं, द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज ओरिजिनली गिव्स टू अ क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बींग प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज इन वॉटर। दीज कंपाउंड देयर फोर बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला C6H2O CXH2O Y। देखो ये कह रहा है कि आपका द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज ओरिजिनली गिव्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। कह रहा कार्बोहाइड्रेट आपका वही सब्सटेंस होगा जिसमें आपके क्या होंगे, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ठीक है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होंगे, बींग रिप्रेजेंट द सेम रेशियो एज इन वॉटर। और कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन क्या होगा आपका, वो इस तरीके से होंगे जैसे वो आपका वॉटर का मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट होंगे। दीज कंपाउंड देयरफॉर बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CXH2O Y। कह रहा है ये जो होगा आपका CXH2O Y की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो कि क्या हो रहा था, बाद में ये जो डेफिनेशन थी उसको गलत कर दिया गया, ठीक है। बोला कि जितने भी हमारे कंपाउंड है
उसको हम इस फॉर्म, ये जो आपका जनरल फॉर्मूला है, इससे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आपके कार्बोहाइड्रेट्स को। तो जिस वजह से ये जो डेफिनेशन थी, ठीक है, इसकी जगह पे फिर जो न्यू डेफिनेशन आई वो आए, ठीक है। देखते हैं हम जो मॉडर्न डेफिनेशन थी, जो हम यूज करते हैं डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो क्या है। तो आपकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है हो गई, तो वो क्या थी, कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स और सब्सटेंसेस विच गिव गिव दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। देखो यहां पर आपका हम बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये आपके कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं उसको हम बाद में मैं आपको बताता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको याद होगा, ठीक है, आपने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था, मैं अभी आप इसका इसको बताता हूं कि क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब उसमें दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, मतलब अल्कोहल का जो ग्रुप होगा OH पार्ट जो होगा वो कम से कम दो या दो से ज्यादा होगा, ठीक है, और उसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होना चाहिए। कहता है कि यहां पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए, OH ग्रुप भी होना चाहिए, एल्डिहाइड OH ग्रुप होने चाहिए, एक ही आपका जो भी कंपाउंड होगा कार्बोहाइड्रेट का उसमें होगा, साथ ही साथ क्या होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। अगर किसी चीज में, किसी कंपाउंड में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, वो क्या आपके कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वो कहता है या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, या फिर आपका क्या लगा हो, कीटोन ग्रुप लगा हो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। जैसे आपका ये आपका कीटोन ग्रुप है, या तो ये लगाओ और पॉलीहाइड्रोक्सी हो, ध्यान रखना ये पॉली होने चाहिए, एक से ज्यादा रहे, और ऑप्टिकली एक्टिव होना तो जरूरी है दोनों केसेस में। तो हम अब डिफाइन करते हैं कि अब जो हम डेफिनेशन यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो ये यूज करते हैं कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट कब कहलाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट आपका तब होगा जब उसमें एक कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो और वो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ उस चेन में प्रेजेंट हो। मतलब कि एक आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है और दूसरा आपका कोई पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकते हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब दो या दो से ज्यादा आपके OH ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होंगे और वो जो कंपाउंड होगा आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते थे एक बार उन्हें समझ लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपने पढ़े थे, यह हमने पढ़ा था 10th चैप्टर में भी पढ़ा था, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं रोटेट कराते हैं। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दें या फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट करा दें, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। फिर उसमें हमने ये चीज भी देखी थी कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं आपके, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे आपके वो कैसे होते हैं, वो एसिमेट्रिक कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या था क्या नहीं था इसके लिए आप पुराने मेरे 10th के लेक्चर देख सकते हो, बट मैं फिर भी यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि
जो एसिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर हम बोलते थे वो क्या था? देखो, ऐसे कार्बन जिसमें उसके चारों पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हों वो कुछ ऐसे लगे हों, ए बी सी डी। तो यहां पर आपके जो भी ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, चारों अलग अलग होने चाहिए, कोई भी एक सिमिलर ना हो। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, या फिर ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। इसका हम एग्जाम्पल ले, अगर जैसे यहां पे आपका CH3 हो गया, यहां पर आपका C2H5 हो गया, और यहां पे आपका NH2 हो गया, ठीक है। ऐसी मैंने कोई भी एक कार्बन ले लिया जो स्टीरियो सेंटर है। तो यहां पे आप देखो चारों पोजीशन कैसी हैं, जो चारों आपके जो यहां पे ग्रुप लगे हैं चारों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वो आपके क्या है, पॉली, यहां पर आपका जो क्या होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या फिर हम एसिमेट्रिक कार्बन जिसमें भी होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप चैप्टर 10 समझ सकते हो, चैप्टर 10 में जाके आप इसको पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब क्या करें, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इस चीज डेफिनेशन को मैं इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही समझ लेते हैं, जो मैं आपको बस बता रहा था कि एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, इसी से सारे स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो देखो क्या करना है, या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलो देखते हैं, यहां पर आपका हो गया ये आपका CHO, जो हमने डेफिनेशन के थ्रू अभी पढ़ा, ठीक है। यहां पे आपका हो गया OHH, HOH, OHH और OHH, फिर आपका CH2OH। हम इसे बोलते हैं कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज है। अल्फा बीटा क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा हूं कि क्या चीज आप देखकर बताओगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है। अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में क्या बोलता है, वो कहता है उसके साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, पहली कंडीशन होगी हमारी। इसके बाद फिर वो कहता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, यहां पे आप देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, 4-5, ये आपके 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो भी आपके पॉली है, ठीक है। और इसके बाद जो कार्बन रहेगा आपका वो भी कैसा रहेगा, जो आपका कार्बन रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर स्टीरियो सेंटर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जैसे आप इस कार्बन को देखो, तो ये स्टीरियो सेंटर आपको दिख रहा होगा यहां पे, मतलब सारे जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप देखो OH, ये H, ये CH और ये P, ये तो पूरी चेन लगी है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पोली हाइड्रोक्सी, और वहां पर एल्डिहाइड भी है, और साथ ही साथ उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी वो है, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। हमें ये बात भी समझ आ गई, ठीक है। तो हमें अब जो डेफिनेशन है वो इजीली समझ आ जाती है कि भाई जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैंने आपको बोला कि वहां पर आपका एल्डिहाइड के साथ साथ इस स्ट्रक्चर को बनाना मैं आपको बाद में बताऊंगा आराम से, अभी तो हम सिर्फ समझते हैं क्या होता है, ठीक है, इसको बनाना सिखा दूंगा मैं आपको। इसके बाद वो कहता है कि साथ ही साथ वो क्या हो सकता है, वहां पे एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझते हैं, ये आपका CH2OH, ये आपका फ्रक्टोज होता है। अब ये जो फ्रक्टोज है इसमें भी देखो, अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट इस वजह से है क्योंकि यहां पर क्या है आपका, देखो उसने बोला था कार्बोहाइड्रेट होने के लिए या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन ग्रुप हो, दोनों में से एक ग्रुप होगा, बाकी जो दोनों चीज है वो तो दोनों में ही होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए,
साथ ही साथ क्या होना चाहिए उसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ क्या होना चाहिए उसमें, क्या लगा हो, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। यहां पे देखो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ये आपका कीटोन था इस केस में, और ये आपका क्या था, एल्डिहाइड था इस केस में। तो दोनों चीजें आपको समझ आ गई है, ये आपका CH2OH, ठीक है। तो यहां पे आपका देखो OH ग्रुप भी है। तो डेफिनेशन अब आप सबको क्लियर हो गई होगी कि डेफिनेशन क्या है आपकी, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होना चाहिए, दोनों में से कोई भी होना चाहिए, एक कोई भी एक आएगा चलेगा, बट पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप और आपका ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड का होना जरूरी है। चलो तो अब हमारी मॉडर्न डेफिनेशन जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें क्लियर हो गई है कि डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या क्या हैं, इसको मतलब क्या चीज देखकर हम बोलते हैं, इसके यूनिट्स क्या क्या हैं, इन सबको हम करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे उसको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ये क्या है आपका, उसको हम सैकेराइड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम सैकेराइड्स भी कह सकते हैं। जो सैकेराइड्स है ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसे हम बोलते हैं सैकरन। अब ये जो सैकेरन होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो सैकेरन है इसका मतलब क्या है। अब ये जो आपका सैकेरन है इसका मतलब होता है शुगर, मतलब कि आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है। मतलब उनका कैसा होगा, शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कभी कभी यूज होता है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, तो इसी फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे रहते हैं, वो टेस्ट में उनका टेस्ट मीठा होता है। जैसे कि आप ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज में आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस वजह से ग्लूकोज टेस्ट में कैसा होगा आपका, थोड़ा सा मीठा लगता है। शुगर केन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो आपकी शुगर है वो तो पूरा ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये सारी चीजें जिसमें क्या हो, जो टेस्ट में मीठी होती है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जैसे आप कोई भी फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, टेस्ट में मीठे होगा आपका, तो हम बोलते हैं कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बट सबको नहीं कह सकते, मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इसको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। तो जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि आपका जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, तो इन सब की जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है, एक सैकेराइड्स है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लासिफिकेशन इसकी, कि आपका फर्स्ट जो क्लासिफाई किया गया है इसको, उसको किया गया है मोनोसैकेराइड्स में। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं उसे देखते हैं। देखो सैकेराइड्स का मतलब तो आपको पता चल ही गया, और मोनो का मतलब भी आपको पता ही है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं क्या होते हैं देखते हैं। यहां पर आपका अब जो मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स हो गया आपका, अब ये किस चीज को देखकर हम बोलेंगे कि कोई कार्बोहाइड्रेट हमारा मोनोसैकेराइड है, कोई कार्बोहाइड्रेट आपका कैसा है, डाइसैकेराइड है। तो इसको समझते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं पहले। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed to smaller molecule, their general formula is
CH2ON, जो N होगा आपका 3 to 7, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स आपके क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड आपके वो होंगे, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज स्मॉलर मॉलिक्यूल। मतलब कि ऐसे हमारे मॉलिक्यूल जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। अब ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे हम इसका हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो इसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जितने भी आपके हो गए, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, तो इसको दोबारा हम हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते। आपका ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे क्या है, ये कुछ ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, अभी बस इसको ध्यान रखना कि ये आपके क्या हो गए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, वो हमारे क्या होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये ऐसे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम दोबारा हाइड्रोलिस नहीं करवा सकते, मतलब इसको दोबारा से हम ब्रेक करके किसी दूसरे सब्सटेंस से फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता आपका क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं उसे देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, ओलिगो सैकेराइड्स। देखो ओलिगोसैकेराइड्स जो है, इसको आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे वो सैकेराइड्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जिसका दोबारा हाइड्रोलिसिस करके उसको कई पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे सैकेराइड्स कैसे होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स के अब हम कुछ पार्ट्स देखेंगे कि आपके डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, टेट्रासैकेराइड्स भी होते हैं, तो ऐसे सैकेराइड जिसको हम क्या कर सकते हैं, आगे और क्या कर सकते हैं, आगे और उसको हाइड्रोलिस करा सकते हैं, आगे और उसको ब्रेक करके हम नए पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सैकेराइड को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे। तो डिफाइन करते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स को, कि जो आपका दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनो सैकेराइड्स। देखो ओलिगोसैकेराइड हमारे वो सैकेराइड्स होते हैं जिसको हम दोबारा हाइड्रोलिसिस करवा के, ठीक है, इसको हम हाइड्रोलिसिस करवा के क्या कर सकते हैं, 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसको हम एक बार ब्रेक करके 2 या 2 से ज्यादा हम मोनोसैकेराइड बना सकें, ठीक है। मतलब ओलिगोसैकेराइड से हम मोनोसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो यहां पर ये जो होंगे आपके, इसमें कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं आपके, जैसे आपका डाइसैकेराइड्स होंगे। डाइसैकेराइड्स जितने भी होंगे आपके, ये क्या करेंगे, ये आपके जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, जब किसी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे, तो वो आपको प्रोडक्ट में दो यूनिट दे, या फिर 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स के दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड बोलेंगे। ट्राइसैकेराइड्स क्या हो जाएंगे, ट्राइसैकेराइड्स आपके वो कंपाउंड हो जाएंगे जिसको हम हाइड्रोलिसिस करवाएं और प्रोडक्ट में आपको 3 यूनिट मिले किसकी, मोनोसैकेराइड्स की, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, वो आपके क्या हो गए, ट्राइसैकेराइड्स। ऐसी आपका टेट्रा पेंटा ये सब चलता रहता है। तो ओलिगोसैकेराइड्स आपको समझ आ गए, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंस था ध्यान रखना है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं, जब हम उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो वो आपको क्या होगा, वो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, कोई दूसरे हमें कुछ नया यूनिट नहीं देंगे, बट या फिर हम ये बोल सकते हैं उसका हाइड्रोलिसिस हम नहीं करा सकते। और ओलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पे, मतलब जो हाइड्रोलिसिस करते हैं
और करने के बाद अगर वो दो यूनिट आपके दो यूनिट मोनोसेक्राइड्स बना रहे हैं तो उसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, अगर थ्री बना रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड्स बोलेंगे, अगर आपके चार बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। चलो एक एग्जांपल देख लो डाइसेक्राइड का, मैं आपको बता ही देता हूँ, आगे हमें पढ़ना भी है। जैसे आपका मान लो सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है आपका, अब ये फॉर्मूले से आप डरना मत कि फॉर्मूले हम कैसे याद करें, ये मैं सब आपको बता दूंगा कैसे ये सब चीज़ों को याद रखना है। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये बनाता है आपका C6H12O6, C6H12O6, ये आपका क्या होता है, सुक्रोज होता है। ये आपका कैसा है, ये एक डाइसेक्राइड है, ये आपका डाइसेक्राइड है। ये क्या करता है, ये टू यूनिट देता है, ये भी आपका क्या है, मोनोसेक्राइड है और ये भी आपका मोनोसेक्राइड है। तो यहां पे आप देख रहे हो ये वाटर से रिएक्ट करके इसने क्या करा, ब्रेक हुआ दो पार्ट्स में और दो इसने मोनोसेक्राइड से दिए। मोनोसेक्राइड का कैसे पता लगाओगे, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कराएं और उसका हाइड्रोलिसिस ना हो तो हम उसे बोलेंगे कि वो आपका सब्सटेंस कैसा है, वो आपका मोनोसेक्राइड हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया कि मोनोसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड्स क्या है। चलो ये भी क्लियर हो गया, अब इसके आगे और देखते हैं। चलो ऐसी आपके ट्राइसेक्राइड्स भी होते हैं, इसको आप एनसीईआरटी से देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ट्राइसेक्राइड्स हो गए, टेट्रा हो गए, तो ये सारे जितने भी हैं कितने, ये 2 से लेके 10 तक। ठीक है, 2 से लेके मतलब ऐसे हमारे सेक्राइड्स जो 2 यूनिट, यहां पे देखो इसने 2 यूनिट दिए ना मोनोमर, अगर 3 देता तो ट्राई हो जाता। तो ऐसी 10 तक जितने भी यूनिट्स हमें मिलती हैं, तो 10 तक जितनी भी यूनिट्स आएंगी वो सारी किसमें आएंगी, आपकी ओलिगोसेक्राइड्स में आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। यहां पे आपका जो पॉलीसेक्राइड्स क्या हो जाएंगे, ये आपका, तो यहां पर ये क्या है आपका पॉलीसेक्राइड्स है। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं उसे समझते हैं हम। तो पॉलीसेक्राइड जो भी होंगे आपके, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या होंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपके क्या देते हैं, तो यहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिसको आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस कराओगे, और हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको क्या देगा, ये गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जो काफी अमाउंट में आपका मोनोसेक्राइड देगा। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स को, कि ये आपके जो क्या है, ये जो यूनिट देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। मतलब कि 10 से ऊपर जितने भी यूनिट्स हमें मिलते हैं तो वो सारे किसमें आते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में। तो पॉलीसेक्राइड में आ जाएगा आपका ये। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब चीजें हमें कैसे समझ आई कि कोई भी सब्सटेंस आपका जो है, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा जो ग्लूकोज है। तो इसको समझने से पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं ग्लूकोज की, वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया प्रिपरेशन, पहले हम प्रिपरेशन समझ लेते हैं फिर भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो आपका ये जो ग्लूकोज है, पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं।
सुक्रोज अभी दिखा दिया मैंने, बट फिर भी देख लो, ये आपका सुक्रोज है। अब आप देखो कि फॉर्मूले आपको कैसे ध्यान रखने हैं, मैं साथ साथ अब आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूं कि फॉर्मूले कैसे याद रखोगे। ये आपका सुक्रोज, ठीक है। अब ध्यान देना आप कि यहां पे आपका ये जो बना है सुक्रोज से ग्लूकोज। अब देखो सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे याद रखें, बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। देखो इसको याद रखने का तरीका है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये तो सबको पता ही होता है, ये तो हम अपनी 9th क्लास से 6th क्लास में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, तो ये तो बच्चों को 12th में आते आते याद हो ही जाता है, ठीक है। चलो ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम क्या करें, देखो अगर आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो किससे बना है, सुक्रोज से बना है, तो इसकी दो यूनिट मिलकर क्या करती है, ये हम ये कह सकते हैं कि इसके दो यूनिट मिलकर क्या कर सकते हैं, सुक्रोज को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हम ग्लूकोज का डबल कर दें, इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो कार्बन क्या हो जाएंगे आपके C12, H24, O आपके क्या हो गए 12। इसमें से देखो क्या करना, आपको वाटर को रिमूव कर देना है। अगर हम इसमें से वाटर को हटा दें, वाटर जब जाएगा तो H2O निकला, तो क्या बचेगा, O11। तो ये बन गया आपका सुक्रोज का फॉर्मूला, याद किया आपने, कुछ नहीं। कैसे ध्यान रहेगा, जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, उसको आप डबल करो और उसमें से वाटर रिमूव कर दो। अब आप बोलोगे कि सर हमें याद कैसे रहेगा वाटर रिमूव करना है, अब जब आप प्रिपरेशन याद करोगे तो आपको सीधी सी बात है कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब वहां पर ये हो गया कि वहां पर आपका जो है, वहां पर जो भी गिवन कंपाउंड है उसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करा दी, ठीक है। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहां पर H2O के मॉलिक्यूल भी तो जुड़ेंगे ना, तो H2O जुड़ जाएगा तो क्या होगा आपका C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, लेकिन दोनों क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, इस वजह से हम अलग अलग कंपाउंड में इसको गिनते हैं। तो ध्यान रखना सुक्रोज का फॉर्मूला ध्यान रहेगा, सुक्रोज का फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाते हो तो आप ग्लूकोज का डबल करो और उसमें से वाटर निकाल दो, क्योंकि अगर ये रिएक्शन अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो इसमें से वाटर निकल जाए तो आपका तभी तो सुक्रोज बनेगा। तो ध्यान रहेगा अब आपको सुक्रोज का फॉर्मूला भी, ग्लूकोज से आप सुक्रोज बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने जो प्रिपरेशन देखी वो इसकी देखी कि आप किस तरीके से जो ग्लूकोज है उसको क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो सुक्रोज की हेल्प से, ठीक है, ये भी समझ आ गया अब हमें। अब हम आगे नेक्स्ट इसकी एक और प्रिपरेशन देखते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन थी वो किसके किससे थी, फ्रॉम सुक्रोज, और ये सुक्रोज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, केन शुगर में जो आप खाते हो। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट आती है सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हम कैसे प्रिपेयर करें इसको वो देखते हैं, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च आपने सुना भी होगा स्टार्च के बारे में, स्टार्च ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये ज्यादातर प्रेजेंट रहता है किसमें, स्टोर्ड फूड होता है किसका, प्लांट्स का। प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं आपके वो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो इनका स्टोर फूड जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। चलो स्टार्च जो होता है इसको हम कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं कैसे, जो आपका स्टार्च होता है पहले तो ध्यान रखना है, ये एक C6H10O5, अभी हमने पढ़ा पॉलीसेक्राइड, तो ये एक पॉलीसेक्राइड है जिसमें n नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, इसको आप कोई भी बहुत बड़ी यूनिट होती है इस वजह से पॉलीसेक्राइड में आते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या देखना था हमें, 10 से बड़ी यूनिट, ठीक है। इसके बाद NH2O ये, और H प्लस डालो आप इसमें, 393 केल्विन टेम्परेचर रखो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको N यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, और ये आपका स्टार्च। अब आप बोलोगे कि स्टार्च का फॉर्मूला कैसे याद रखें, स्टार्च का फॉर्मूला याद रखने के लिए बस आपको क्या करना है, जो आपका ग्लूकोज है उसमें से वाटर निकाल दो। सुक्रोज का कैसे याद रखोगे, सुक्रोज में पहले ग्लूकोज का क्या करना है, आपको डबल करना है, जो भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा उसको आप डबल करो,
उसके बाद उसमें से वाटर रिमूव करना है, क्योंकि वो दो यूनिट दे रहा था, आपको याद होगा दो यूनिट दे रहा था, तो इसमें से डबल करना था। यहां पर आपका क्या होगा, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसमें से आप क्या कर दो, रिमूव कर दो वाटर, तो देखो C6H10O5 एन यूनिट्स होती है, तो एन लगा देना। तो इस तरीके से आपको स्टार्च का फॉर्मूला भी याद रहेगा, सिर्फ आपने ग्लूकोज से दोनों फॉर्मूले बनाना सीख लिए, सुक्रोज भी हो गया आपका और आपका स्टार्च भी हो गया, तो कोई नई चीज आपने याद नहीं करी है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था उसको हम समझेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, हमें कैसे पता चला कि कहां पर हमें कार्बन प्लेस करना है, कहां पे OH प्लेस करना है, तो इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास क्या था, देखो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था किसका, ग्लूकोज का, वो कुछ इस तरीके का था, CHO, ये CHOH, उसके बाद CH2OH, ये था। तो यहां पर आपका क्या था, ये आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता कैसे चला, अब देखो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया, तो आप भी तो मुझसे पूछोगे कि सर ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर पता कैसे चला हमें, अब क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसको देखकर हमने बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होगा और कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, कैसे पता चला, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ रिएक्शंस करवाई और रिएक्शन करा के उन्होंने इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में समझना सीखा, ठीक है। उन्होंने कुछ यहां पर रिएक्शन से इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और वही उन इंफॉर्मेशन की हेल्प से उन्होंने बताया कि इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होगा। अब ये क्यों होगा, वो केमिकल रिएक्शन क्या क्या थी, उसको हम अभी देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आपका तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर वॉज असाइंड ऑन द बेसिस फॉलोइंग एविडेंस, कि आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो था वो किस किस बेसिस को देखकर बताया गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भाई ये होगा और कोई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। पहली बात जो थी वो ये थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ग्लूकोज का वो ये था। सेकेंड, अब इस चीज को समझते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्यों आया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं सेकेंड चीज से, स्ट्रेट चेन, अब हमें कैसे पता चला कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये था और उसकी चेन स्ट्रेट थी, चेन क्लोज भी तो हो सकती है, अब कार्बन 6 है, आपको पता है 3 कार्बन से ही जो है क्लोज चेन बनना स्टार्ट हो जाती है, साइक्लोप्रोपेन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब कैसे पता चला कि हमें इसकी जो चेन थी वो स्ट्रेट थी, वो इस तरीके से पता चला, जब हमने क्या करा, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन यहां पे, जब हमने ग्लूकोज का रिडक्शन कराया, ये आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये ठीक है, जब आपने इसका रिडक्शन कराया, ठीक है, रिडक्शन आप इसका करवा सकते हो सोडियम के साथ, तो यहां पर आपका क्या हुआ, ये जो आपका जो गिवन कंपाउंड था ये रिड्यूस होके, ठीक है, यहां पर आपका जो यहां पे
जो भी आपका गिवन कंपाउंड था, इसने क्या करा, इसने बना दिया ओ एच सी एच ओ एच और आपका सी एच टू ओ एच। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन थी सी एच ओ, मतलब इसका एल्डिहाइड का इसने रिडक्शन करा दिया। तो इससे हमें यह पता चल गया कि यहां पर एल्डिहाइड का रिडक्शन होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्कोहल रिडक्शन में ये मिला हमें, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि गिवन कंपाउंड में आपका क्या होगा, कार्बन 6M, या फिर एक और रिएक्शन थी आपकी सी एच ओ एच फोर सी एच टू ओ एच। अगर हम क्या करते हैं, ये जो आपका ग्लूकोज है ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं हम एच आई और रेड फॉस्फोरस से, जब रिडक्शन कराया इसका हमें हमने, तो हमें क्या मिला, हमें ये कंपाउंड मिला एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन मिला, तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि जब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो प्रोडक्ट में 6 कार्बन मिलने का मतलब यह हो गया कि आपका रिएक्टेंट में भी तो 6 कार्बन होंगे। तो इससे हमें, इस रिएक्शन से हमें यहां पर यह कंफर्म हो गया कि आपका जो गिवन कंपाउंड है, जो भी वो है ग्लूकोज है या जो भी है, तो वो जो गिवन कंपाउंड है आपका, उसमें क्या है, आपका 6 कार्बन प्रेजेंट है ठीक है। तो यहां पे रिडक्शन रिएक्शन से हमें यह पता चल गया कि जो आपका गिवन कंपाउंड था उसमें वो कंफर्म हो गया कि उसमें कार्बन तो 6 होंगे ठीक है, लेकिन हमने तो ग्लूकोज में सी एच ओ भी लगा रखा है, ओ एच भी लगा रखा है, इसका कंफर्मेशन तो अभी नहीं हुआ, बट इतना हो गया कि आपका जो गिवन कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन देखी हमने, रिएक्शन विद एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर हमें पता चला प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस कैसे पता चली उसे देखते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस हमें पता चली, देखो अभी हमने लास्ट जो चैप्टर देखा था एल्डिहाइड कीटोन, उसकी कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, और सिंपल से रिएक्शन देख आ रहा हूं आपको, कोई मुश्किल नहीं। यह आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद होगा आपको, ऐसे लिखते हैं तो आपको देखो याद आ जाएगा। देखो हम बोलते थे यहां से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड एनओ एच सी एच ओ एच फोर और सी एच टू ओ एच। यहां पर आपका क्या हुआ, यह बन गया ग्लूकोज ऑक्साइड और यह आपका क्या था, ग्लूकोज एंजाइम आपका बन गया। तो यहां से हमें कंफर्म हुआ कि जो गिवन कंपाउंड है आपका उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तभी वो क्या करता है आपका, यहां पर जो NH2OH से जब वो रिएक्शन करता है और हाइड्रोक्सिल अमीन जिसे हम कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके आपका ऑक्साइम उसी केस में बना रहा था जब आपका एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि गिवन कंपाउंड जो था आपका उसमें एल्डिहाइड तो प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट में आपका ऑक्साइम बन रहा था और ऑक्साइम हमने उसी केस में देखा था कि आपका जो क्या होगा, ऑक्साइम उस केस में देखा था जब हमने एल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी थी, उसमें देखा था कि ऑक्साइम उस केस में बनता आपका अगर उसमें एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। तो यहां से हमें यह तो पता चल गया कि जो गिवन कंपाउंड है आपका वो एल्डिहाइड होगा ठीक है। अगर इसको, अब इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए उन्होंने रिएक्शन करवा दी HCN के साथ। आपको याद होगा HCN के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो वहां पर साइनोहाइड्रिन बना था, तो इन्होंने क्या करा, दोबारा रिएक्शन कराई और देखा कि वहां पर साइनोहाइड्रिन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जब इन्होंने रिएक्शन करवाई तो वहां पर आपका क्या हो रहा था, साइनोहाइड्रिन बन रहा था। तो इससे इन्होंने यहां पर यह पता लगा लिया कि आपका जो यहां पर जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो कंफर्म है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप तो वहां पर प्रेजेंट है ही। तो इसकी रिएक्शन देखो, अब HCN के साथ इसकी रिएक्शन देख लो, यहां पर आपका यह है CHO CHOH 4 और CH2OH, ये आपका HCN हो गया। तो जब ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है OHCN के साथ CHOH 4 CH2OH,
देखो रिएक्शन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया आपका, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो यहाँ से आपका HCN नेगेटिव, H प्लस आपका इस पे जुड़ गया नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पे, और CN आपका कार्बन पे आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या बना, जो प्रोडक्ट बना वो बन गया आपका ग्लूकोस साइनोहाइड्रिन। ये बन गया, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया, अब ये पता चल गया हमें कि गिवन कंपाउंड जो आपका ग्लूकोज है उसमें एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखी, नेक्स्ट जो था अब हमने पता करा कि प्रेजेंस ऑफ फाइव आपके क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैंने आपको दिखाया कि आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके प्रेजेंस कैसे पता करी वो देखते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन जो थी, प्रेजेंस ऑफ फाइव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो आपके पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका कैसे पता करा, उसमें हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड क्या होता है आपका, CH3। मैं पूरा ओपन करके बना रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन समझ आ जाए। ये आपका, अब ध्यान देना यहां पर, अब आपका क्या होगा, यहां से बॉन्ड क्या होगा, ये वाला ब्रेक होगा। आपको पता है कि जब हम किसी एनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो यहां से आपका क्या होगा, एच पार्ट जो होगा रिमूव होगा, और ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहां पे ये एच आ जाएगा, ये बना देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड बन जाएगा। और यहां पर आपके कौन से ग्रुप बन जाएंगे, तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, CH, ये देखो ये ओ यही है, स्टार स्टार, और यहां से आपका ये जो ओ आ गया CO, आपका CH3, ये वाला पार्ट मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको कितने मिले, चार इधर मिले, और एक नीचे अल्कोहल था, एक इसके साथ मिला। तो इससे हमें पता चल गया कि आपका जो ये आपका क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। पेंटाएसिटेट बन गया, तो पेंटाएसिटेट बनने की वजह से हमें पता चल गया कि जो आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है वो रिएक्शन किसके साथ करता है, वो रिएक्शन देता है किसके साथ, एनहाइड्राइड जब रिएक्शन देगा, जब वो पेंटाएसिटेट देगा, ठीक है, तो वहां पर आपका कंफर्म हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड आपका अल्कोहल है, और उसने पेंटाएसिटेट दिए, पांच एसिटेट दिए, जिससे हमें पता चल गया कि गिवन कंपाउंड आपका क्या था, उसमें पांच अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहां से ये जो रिएक्शन थी इससे हमें ये भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो थी रिएक्शन वो थी हमारी प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि चार ग्रुप तो देखो मैंने बीच में लगाए और एंड में लगाया CH2OH। अब ये जो CH2OH है ये कैसा था, प्राइमरी था, वन डिग्री अल्कोहल था यहां पे। अब ये जो प्राइमरी था इसका कैसे पता चला, इसका हमने करा दिया क्या, ऑक्सीडेशन। तो जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें मिला जैसे आपका CHO, आपका CHOH, फोर CH2OH, यह आपका ग्लूकोस HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाया हमने। तो ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या हुआ, यहां पर ये क्या हो गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया COOH में, ठीक है, और ये CHOH4, और यहां पर आपका ये जो था ये भी कन्वर्ट हो गया COH में। तो आपका यहां पे जब ये वन डिग्री था तो ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, COOH में, जिसको हम बोलते हैं सैकरिक एसिड,
सैक्रिक एसिड। अब यहां पर ये सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि आपका ये जो CH2OH ग्रुप है ये आपका प्राइमरी है, तभी ये किसमें कन्वर्ट हुआ, आपका COOH में। तो यहां से कुछ ऐसी रिएक्शन थी जिसे हमें कंफर्म हो गया कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो क्या रहेगा, वो आपका क्या है, मतलब जो आपका ग्लूकोज था, जो गिवन कंपाउंड था हमारा, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट था और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट था, कार्बन चेन 6 की थी और वहां पर आपका क्या था, CH2 ग्रुप जो था वो 1 डिग्री पे था, इसमें से CH2 ग्रुप को हम नीचे अलग से लगाते। तो इन कुछ ये कुछ एविडेंस ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका जो हम दिखाते हैं ये होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम समझेंगे ग्लूकोज के जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे, इसको किस तरीके से आपको याद रखना है, कैसे इसको ड्रॉ करना है, तो ये चीज समझेंगे। तो इसकी रिएक्शंस आप एक बार देख लेना, थोड़ी सी रिएक्शंस हैं, मुश्किल नहीं है, हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ी हुई है, लास्ट के जो चैप्टर्स हैं सारी उनमें से ही इनकी रिएक्शंस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।